में पंचायत की आम सभा में सरपंच के बेटे पर ग्रामीणों के साथ गाली गलौज करने का आरोप लगा है। आरोप है कि पंचायत में जब पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया तो सरपंच के बेटे ने उन पर धौंस दिखाई और ग्रामीणों को गालियां देने लगा। इतना ही नहीं, रजिस्टर में जबरदस्ती हस्ताक्षर करने का दबाव बनाता रहा। गुस्साए ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरपंच व उसके बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूरा मामला मुंगेली के गांव जमकोर का है, जहां के पंच समेत ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच पुत्र के द्वारा आए दिन पंचों व गांव के सदस्यों को गाली गलौज किया जाता है व ऊपर के पहुंच बताकर आए दिन धमकी भरे लिहाज गांव वालों को धमकाया भी जाता है। पंचों का कहना है कि सरपंच जीतेश्वर सिंह खुद अपनी माँ के फर्जी टीचर बिकर विभिन्न कार्यों का हेराफेरी भी करता है। पूर्व में भी सरपंच के ऊपर गांव वालों ने शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे सरपंच के बेटे के हौसले बुलंद हैं। गांव वालों ने साची पर भी सरपंच का साथ देने का आरोप लगाया। उनकी माने तो सरपंच के सभी भ्रष्ट कार्यों में साची का बराबर योगदान व समर्थन होता है। वो मुख्यालयों में उपस्थिति भी नहीं रहता है। जो लड़ाई हुई समय लड़का को वहाँ ग्राम सभा के सभी जन के बीच में हाथापाई करी से ओखर वजह से हमन कलेक्टर ऑफिस में है। कलेक्टर से शिकायत करे हमन तो कहा बात ले हम मोला वो जन आदमी बैठे रहे तेन में सियान बना के मोला चुनी ते सियान के बात ला अभी एक मानबो का कही तब मैं पूछे भाई वो सरपंच बता भाई पानी की समस्या कब कर दे एक हफ्ता हम करूँ कही सात छः महीना हो गए तो कर कुछ ध्यान ही नहीं कर रहा। ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे मामले पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है या फिर अपनी मांगों को लेकर ग्रामीणों को कड़ा रुख अपना लेंगे। मुंगेली से शुभम दीक्षित, पंजाब केसरी टीवी। मुंगेली में पंचायत की आम सभा में सरपंच के बेटे पर ग्रामीणों के साथ गाली गलौज करने का आरोप लगा है। आरोप है कि पंचायत में जब पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया तो सरपंच के बेटे ने उन पर धौंस दिखाई और ग्रामीणों को गालियां देने लगा। इतना ही नहीं, रजिस्टर में जबरदस्ती हस्ताक्षर करने का दबाव बनाता रहा। गुस्साए ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरपंच व उसके बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूरा मामला मुंगेली के गांव जमकोर का है, जहां के पंच समेत ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच पुत्र के द्वारा आए दिन पंचों व गांव के सदस्यों को गाली गलौज किया जाता है व ऊपर के पहुंच बताकर आए दिन धमकी भरे लिहाज गांव वालों को धमकाया भी जाता है। पंचों का कहना है कि सरपंच जीतेश्वर सिंह खुद अपनी माँ के फर्जी टीचर बिकर विभिन्न कार्यों का हेराफेरी भी करता है। पूर्व में भी सरपंच के ऊपर गांव वालों ने शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे सरपंच के बेटे के हौसले बुलंद हैं। गांव वालों ने साची पर भी सरपंच का साथ देने का आरोप लगाया। उनकी माने तो सरपंच के सभी भ्रष्ट कार्यों में साची का बराबर योगदान व समर्थन होता है। वो मुख्यालयों में उपस्थिति भी नहीं रहता है। जो लड़ाई हुई समय लड़का को वहाँ ग्राम सभा के सभी जन के बीच में हाथापाई करी से ओखर वजह से हमन कलेक्टर ऑफिस में है। कलेक्टर से शिकायत करे हमन तो कहा बात ले हम मोला वो जन आदमी बैठे रहे तेन में सियान बना के मोला चुनी ते सियान के बात ला अभी एक मानबो का कही तब मैं पूछे भाई वो सरपंच बता भाई पानी की समस्या कब कर दे एक हफ्ता हम करूँ कही सात छः महीना हो गए तो कर कुछ ध्यान ही नहीं कर रहा। ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे मामले पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है या फिर अपनी मांगों को लेकर ग्रामीणों को कड़ा रुख अपना लेंगे। मुंगेली से शुभम दीक्षित, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।